हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कृष्णचंद्र जाना, वेलकम टू अनदर वीडियो। पिला माने ए वीडियो टिर कोन डिस्कस कराइछि, दशम श्रेणी परिमितिर प्रथम अनुशीलनीर 25 नंबर टिकु बा लास्ट नंबर टिकु मु एठारे डिस्कस करिछि। कारण एही नंबर टि प्राय पिला को कोन लागुछि, डिफिकल्ट लागुछि, एमिति मते बहुत मेसेज आसीथिला। तो एही जो वीडियो ई नंबर टि बहुत इजी अछि, ओके। केवल जिनिस कौन थिंग्स गुड़ी को बुझ, प्रथम कनसेप्ट को बुझ, कौन करवाक पड़ो से बुझी दियो, बुझला पर ऑटोमेटिकली प्रश्नटी हो, राइट। तो देख प्रश्न पढ़ प्रथम कौन, गोटे वृत्तकार चापर डिग्री परिमाप 60 डिग्री, गोटे वृत्तकार चापर डिग्री परिमाप 60 डिग्री, राइट, ठीक अच्छे। यार दुई व्यासार्ध, यार दुई व्यासार्ध एवं चाप को स्पर्श कर गोटे वृत्त अंतर्लिखित होगी, ओके, ठीक अच्छे। यार दुईटा व्यासार्ध आ चाप को स्पर्श करके वृत्त अंतर्लिखित हो, तो चित्रटा ये हम डायग्राम टी ये हम मुझ आगु काटि कहीं सिस्टम वाइज काटली, तो से स्लो हम बोल कि काटिदेली। तो ये देख ये क्लीयर होगा आमको किसी ना, प्रश्न बहुत किसी प्रश्न देनी, केवल देमको गोटे वृत्तकार चापर डिग्री परिमाप 60 डिग्री है। तो देख पिले आम पूर्व जानी जदि गोटे वृत्तकार चापर डिग्री परिमाप 60 डिग्री जहाँ भी दे व्यासार्ध जदि आम कौन कर वृत्तर से ही वृत्तकार चापर दैर्घ्य बाहर कर, वृत्तकार चापर दैर्घ्य बाहर कलापर आम वृत्तकार परिसीमा बाहर कर, राइट। तो देख प्रश्न भल भाव बुझ, सी पुणी प्रश्न पढ़ुची, देख गोटे वृत्तकार चापर डिग्री परिमाप 60 डिग्री, यार दुई व्यासार्ध एवं चाप को स्पर्श कर एक वृत्त अंतर्लिखित होती, तेबे प्रमाण कर जे एही वृत्तर परिधि बा अंतर्लिखित भितर जो वृत्त अच्छी तार परिधि आउ वृत्तकार परिसीमार अनुपात, माने वृत्तकार परिसीमा ए दुईट जाकर अनुपात के 11:16 आस, ठीक अच्छे। तो मन रख पे डायग्रामा आर इम्पोर्टाट अच्छी, तुम्हें डायग्रामा को जो बुझीदब देन आम कौन कर पूरा जो परिमिति गणित कम्प्लीटली हो। तो देखो प्रथम रु गोटे जिनस करदे जे जो वृत्तकला अच्छी, गोटे जिनस मन रख जो वृत्तकला अच्छी से कौन हाँ आमर यही गोटे वृत्तर वृत्तकला ना सी बाहर गोटे वृत्त अच्छी ना, ना डायग्राम ठीक से होनी पे से इग्नोर कर गोटे वृत्त बाहर वृत्तर वृत्तकला। तो यही जो वृत्तर बड़ वृत्तर व्यासार्ध को मुझे कैपिटाल आर नेली, केली कैपिटाल आर, कैपिटाल कैपिटाल आर, राइट। ये जो भितर वृत्त अच्छी तार व्यासार्ध को मुझे स्मॉल आर बोल नहीं, तो किसी प्रॉब्लम ना कार भी बाहर वृत्त बड़ वृत्त वृत्तकार मो जो व्यासार्ध को कैपिटाल आर नहीं गली आउ भितर वृत्तर व्यासार्ध को मुझे स्मॉल आर बोल नहीं गली, ये किसी भी प्रॉब्लम ना, ठीक अच्छे। एबे देख यो वृत्तकार प्रथम यही वृत्तकार डिग्री परिमाप 60 डिग्री देछि, डिग्री परिमाप 60 डिग्री देछि, तो ठीक अच्छे। एबे देखो हमको दुईटा जिनस आनवाक पड़ो, वृत्तर परिधि वृत्तकार परिसीमा। तो मुझे कौन कर फेज वन फेज टू करी करुच, फेज वन कौन कर वृत्तकार परिसीमा आनीदे, वृत्तकार परिसीमा ठीक अच्छे। तो वृत्तकार परिसीमा पे कौन आवश्यक पे आमको सूत्र कौन अच्छी, टू आर प्लस एल ए, टू आर प्लस एल ए एकक। तो देख आर बोले आम व्यासार्ध, आर कहले व्यासार्ध, एल ए कहले आम चापर दैर्घ्य, चापर दैर्घ्य। तो प्रश्न देख पे चापर दैर्घ्य आम दत्त ना, चापर दैर्घ्य आमको दत्त ना, तो ठीक अच्छे। चापर दैर्घ्य प्रथम बाहर करने पड़ो, आम कौन कर चापर दैर्घ्य प्रथम बाहर करने को पड़ो, चापर दैर्घ्य पाई चापर दैर्घ्यर सूत्र अच्छी कौन, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर, जानते यहाँ जदि जाना पूर्व भिडियोटी को देखो, पार्ट वन परिमिति 500 पार्ट वन गोटे भिडियो अपलोड कर 22-23 मिनट रिडियोटा, से भिडटी को देखो, से भिडटे कनसेप्ट आम सूत्र गुड़ाक फर्मुला गुड़ाक से कही देखु, तापर ये आसतु। देख आमर चापर दैर्घ्य बाहर करने तो यही जो वृत्तकार परिसीमा बाहर करने आमको कौन दरकार, चापर दैर्घ्य यहाँ प्रथम नहीं जा मन कर वृत्तकार चापर दैर्घ्य, सॉरी वृत्तकार
मनेकर नहीं मनेकर वृत्तकार व्यासार्ध कौन व्यासार्ध इक्वल टू कैपिटल आर एकक है खाता धरिकी लेख लेखि लेखि जाओ ऑटोमेटिकली बुझ मनेकर वृत्तकार व्यासार्ध इक्वल टू आर एकक दत्ता अनुसार वृत्तकार डिग्री परिमाप कौन डिग्री परिमाप बा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तेब वृत्तकार चापर दैर्घ्य बा एल इक्वल टू फर्मूला कौन अच्छे आमर थीटा बाय 180 गुणन पाई आर इक्वल टू थीटा बाय सॉरी थीटा कहले आमर के 60 डिग्री बाय 180 डिग्री इंटू पाई कहले आमर के इंस्ट्रक्शन देती 22/7 तो 22/7 गुणन आर कहले आम कैपिटाल आर बोल नहीं व्यासार्ध को कैपिटाल आर बोल नहीं ठीक अच्छे तो ये काटि शून को शून कटिगला 6×1=6 उपर आ किए आउ क्या किए क्या सहित कटू ना तो उपर सब जगह गुणी दि 1×22×r बोले 22r बै 3/21 एटा कौन आसला आमर मन रख यहाँ आमर आसला चापर दैर्घ्य कौन आसला पे चापर दैर्घ्य है ना चापर दैर्घ्य आसला पर आम कौन कर वृत्तकार व्यासार्ध आनीपर तो लिखा therefore वृत्तकार व्यासार्ध इक्वल सॉरी वृत्तकार टिके गोटे मिनट वृत्तकार कौन परिसीमा इक्वल टू सूत्र कौन अच्छे आमर ना 2r प्लस एल इक्वल टू 2r को 2r ही रहा कारण आर मूल्य जानना मन कर आर बोल नहीं तो 2r ही रहा एल रान के आमर ये 22r बै 21 तो पकईली मुझ 22r बै 21 प्रॉब्लम ना कि पे देख ये कौन है भग्नाश मिशाण है 2r बै 1 मिशाण 22r बै 21 तो भग्नाश मिशाण कले प्रथम आम कौन कर लस आग काढ़ एक आउ एक लस आग एक आसब एक एक द्वारा हरिले एक दुई आर गुणिल को 42 आर आसला पुणी एक हरल को एक एक को 22 आर गुणिल को 22 आर बोल के आसला दिटा मिसई दि 42 आर प्लस 22 आर इक्वल टू 64 आर बै 21 इटा तुम कौन आसला ना वृत्तकार परिधि परिसीमा तो गोटे फेज आमर कम्प्लीट है गोटे फेज आमर कम्प्लीट हो सारा बुझीगल कि जदि बुझ बुझन तेल भिडियोटी पज कर पुणी प्रथम आरंभ कर सियोर कर बुझीजे है फेज टू आरंभ करवा फेज टू रे कौन करवा आम वृत्तर परिधि आईपाई आमको चित्रटी को भल भाग कहे वृत्तर फेज टू फेज टू वृत्तर परिधि अच्छा वृत्तर परिधि पे आमको कौन दरकार 2πr ना ना 2×π इंटू व्यासार्ध हेले आमर एठारे पाई आर रो मान आम जानी ना आर रो मूल्य आम जानी ना जेहेतु आम अनुपात बाहर करने रख यही आर टी को अंतस्थ अंतर्लिखित वृत्तर व्यासार्ध आ बाहर थी वृत्तकला ए दुईटार व्यासार्ध मध्य कौन करा पड़ो आमर गोटे संपर्क बाहर करा पड़ो जहाँफल आम जो अनुपात करवा से दुटा कौन हो पारे कटिपारे है कौन करमती गोटे संपर्क बाहर करवाजे स्मल आर आ कैपिटाल आर मध्य कि गोटे संपर्क थी राइट तो देख एबे मु कहिबी तुमको अंतर्लिखित वृत्तर केन्द्रबिंदु किए अच्छी मनेकर अंतर्लिखित वृत्तर केन्द्रबिंदु है ओ है अंतर्लिखित वृत्तर केन्द्रबिंदु एवं वृत्त उपर स्पर्शक वृत्त उपर स्पर्शक को जोग कर स्पर्श बिंदु को जोग कर वृत्त उपर वृत्त उपर स्पर्शक कौटा पिले यहाँ स्पर्शक ना ना बा वृत्त को जो रेखाटा स्पर्श करके जाए सी ही तो स्पर्शक ना ना तो जो भी स्पर्श कर तुम स्पर्श बिंदु तो स्पर्श कौटी कर चेंज कर कलरटा भल भाव बुझ स्पर्श कौट कर स्पर्श कर मनेकर स्पर्श कर पी बिंदु कौटे स्पर्श कर पी बिंदु
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶାଗୁଆ ଗ୍ରୀନ କଲର୍ ମନେକର ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ସିଏ ଦେଖାଯାଉନି ହେଲା ପି ବିନ୍ଦୁରେ ମନେକର ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଓ ଆଉ ପି କୁ ଯୋଗ କର ଓ ଆଉ ପି କୁ ଯୋଗ କର ଯୋଗ ହେଇଗଲା ନା ପିଲେ ହେଇଗଲା ଯୋଗ ତ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ମୋତେ ଓ ପି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ ନା ହେବନି ଓ ପି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ ନା ହେବନି ହେବ କାହିଁକି ସେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ବୃତ୍ତର ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯାଇକି ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ତା ଅର୍ଥ ଓ ପି ଏଠାରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ପି ଏଠାରେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନା ନାଇଁ ଏବଂ ମନେକର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଏକକ ନିଆଯାଉ ବୁଝିଲା ନା ପିଲେ ହୁଏତ ଏଇ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ମୁଁ ପେନ୍ଟାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କରିଦେଉଛି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ଟା ପିଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଥରେ କାଟିଦେଉଛି ହେଲା ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ଓକେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଓ ପିକୁ ଯୋଗ କର ତ ଓ ପି ଏଠାରେ ଯୋଗ କରାଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଓ ଆଉ ଏତିକି ଏତିକି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଓ ପି ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ କାରଣ ଯଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ରେଖାଟା ଅଙ୍କିତ ସେତିକକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ନାଇଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓ ମନେକର ଏଇ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଅଛି ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଅଛି ମନେକର ଆ ନାଁ ହେଲା କ୍ୟୁ ତ ଓ କ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ପି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତ କହିଲ ଓ କ୍ୟୁ ଆଉ ଓ ପି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ହେବେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓ ମନେକର ଏଇ ଏଇ ଉପର ବିନ୍ଦୁଟା ମନେକର ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଏସ୍ ଏ ତ ମୋତେ କୁହ ଏଠି ଓ ଏସ୍ ଏ ଓ କ୍ୟୁ ଆଉ ଓ ପି ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ ନା ହେବନି କହିଲ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଯଦି ବୁଝୁନ ପୁଣି ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଆଉ ମନେକର ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆର୍ ଏକକ ବୋଲି ନେଇଛନ୍ତି ତ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖ ବା ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଟିକେ ନା ଓ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଏସ୍ ଏ ଓ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଏସ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ଏକକ ହେବ ନା ହେବନି ହେବ ଏବେ କୋଣ ଯାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଠାରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଧରିନିଅ ଏଇଟା ଏଇ ଏଇଟା ପୂର୍ବବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମନେକର ଧରିନିଅ କିଛି ବି ନିଅ ହେଲା ମନେକର ମୁଁ ଏ ନେଉଛି ଏଇ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟିକୁ ମୁଁ ବି ନେଉଛି ତ ଏଠାରେ ଲେଖ ଏଠାରେ ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଠିକ୍ ଏବଂ ଆମେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁ କେଉଁଟା ମନେ ରଖ ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଏବଂ ପି ହେଲା ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁ ପି ହେଲା ତୁମର ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ପି ହେଲା ତୁମର ସ୍ପର୍ଶବିନ୍ଦୁ ଏତିକି ହେଲା ଆମେ ଜାଣୁ ନା ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ହେବ ସର୍ବଦା ଲମ୍ବ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଲମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ଇଜ୍ ପେପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସରି ଓଲ୍ଟି ଗଲା ଓ ପି ଇଜ୍ ପେପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଟୁ ଏ ବି ବା ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମର ଏଇ ଓ ପି କ'ଣ ହେବ ଲମ୍ବ ହେବ ଲମ୍ବ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କେତେ ଏକଟି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବ ଏଇଟା ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର କୋଣଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତକଳାର ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ଆକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ତେଣୁ ଏପଟେ ଯେଉଁ କୋଣଟା ଅଛି ଇଏ କ'ଣ ହେବ 30 ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ହେବ ଇଏ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତ
तो ये कौन हम ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हेबो ना हबनी कह प्राक्टिकाली भाव टिके जदि गोटे त्रिभुजर गोटे कोणर परिमाण 90 आउ गोटे कोणर परिमाण 30 तो अन्य कोणर परिमाण 60 हेबो काहेकि 60 हेबो तीनोटी जाक वृत्तर परिमाण समष्टि 180 डिग्री से दुईटा मिसेले केत हो 120 90 प्लस 30 120 180 120 गले 60 डिग्री तो यही वृत्तर कोण परिमाण कत आसा 60 डिग्री हैला एति की क्लियर हेच एठु मन रखित पिले ए दुईटा परस्पर समान काहीं कहते कारण वृत्तर व्यासार्ध हैला तापर देखो अठारे एसए आउ पी को जोग करा जाओ एसए आउ पी को जोग करा जाओ एस पी को जोग करा जाओ जोग कर लिमु टिके रुओ एसए आउ पी को हला तो देखो एसए पी जोग हला जो एसए आउ पी जोग हेजी एठारे देखो दुईटी त्रिभुज अंकन हेजी दुईटी त्रिभुज रे विभक्त हला जो पूरा ए ओ पी गोटे त्रिभुज थिला जो गोटे पूरा त्रिभुज थिला ए ओ पी भलो भाबे देखो ए ए ओ पी ए त्रिभुजडा ए एसए पी जोग हेलो को दुईटी त्रिभुज रे विभक्त हेजी एठारे देखो पिले आमे एसए ओ पी त्रिभुज को देखो हला तो एस ओ पी त्रिभुज रे ओ एस इक्वल टू ओ पी बाहुद्वय समान हैला एणु सम्मुखीन कोण कोले को के एंगल ओ एस ए पी एंगल ओ एस ए पी इक्वल टू ओ पी एस एंगल ओ पी एस हबो हबो ना नहीं कहलो कारण आम जानूँ कौन से एक वृत्तर जदि बाहु दुईटा सामान है तार सम्मुखीन कोण दुईटा सामान हम है तो सामान हो गला ये अन्य कोणटी केते देइछि अन्य कोणर परिमाण अन्य कोणर परिमाण 60 डिग्री अन्य कोणर परिमाण 60 डिग्री हेजी ना नहीं कहलो अच्छा जदि गोटे कोणर परिमाण 60 डिग्री है अन्य दुईटी जो कोण अच्छा सीधा समष्टि केत 120 डिग्री हम ओब्विस्ली 120 डिग्री आम कहले कौन ना ये दुईटा कोण को जो मिसेवा 120 डिग्री है कि ए दुईटी जाक सामान बोली तार तो ये सामान भाग रो सी सामान भाग नब तार तो जो दी भाग करिया आपको सामान देवा ताकू सामान देवा तार्थ जदि दुईटी जाक मिसेले 120 होती आज दुजा सामान भाग ने बोले जड़े जड़े के भाग ले 60 डिग्री लेखे ले हम ना ना तार्थ कौन है यो कोणटा 60 डिग्री आसला यही कोणटा 60 डिग्री आसला जदि तीनोटी गोटे त्रिभुजर तीनोटी जाक कोण सामने वनोटी जाक कोणर परिमाण 60 डिग्री लेखाएं तालोल कहींपर त्रिभुजटी समबाहु त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज हेतु एठारे कौन हम ना एसए पी किए एसए पी सहित सामान हो अर्थ एसए पी एम सहित सामान हो बुझिपाल हला एसए पी सामान होगा एसए पी रैर्घ्य व्यासार्धर दैर्घ्य सहित सामान है यहाँ गोटे देख बाठी मुझे लिखुची ते पी लिखुची ना एसए पी इक्वाल टू ओ पी इक्वाल टू जहाँ भी आई है ओ एस एमती जहाँ भी अच्छी से मानक सहित सी सामान हम ना ना एसए पी जो यहीटा यही बाहुटा कौन हम आमर एसएओ ओएसए ओपी सहित सामान है कहीं कारण तार तीनोटी कोणर परिमाण गुड़िकर सामान 60 डिग्री लेखाएं आउ यह एक समबाहु त्रिभुज ना ना जदि 60 डिग्री है तीन जहाँ बाहु सामान हम सामान है तो सम्मुखीन कौन सामान है तो से दृष्टि कौन कहींपर आम ना एसए पी एम सहित सामान है तापर देख पे तार ऊपर त्रिभुजा को देख ऊपर त्रिभुज यही कोणर परिमाण केते डिग्री आसी आमर 30 डिग्री ना ना यही पूरा कोणटा थिला केते आमर 90 डिग्री यही पूरा कोण रु जिते बड़े अंकन करागला एपट कोणटा आमर 60 डिग्री आई ना ना 60 डिग्री आई जदि पूराटा 90 डिग्री आपट कोणटा 60 डिग्री ताल ए भितर पट कोणटा केत हम 90 फेराण 60 इक्वाल टू 30 डिग्री हम ना ना कह 90 फेराण 60 डिग्री इक्वाल टू 30 डिग्री हम ना हेनी एठार पुणी देख पे कोणटा के आसला हरी आमर 30 डिग्री देख बहुत से गहली हो जाए तो देखिकी टे धीरे धीरे बुझ मुझे इरेज करुच्ची ना
स्मॉल एरिया चार्टन अच्छे हेला भल आर देख पे जोग कर पूरा कोणटा आमर 90 डिग्री आसाला ए त्रिभुज रे जेहेतु ये समबाहु त्रिभुज है समस्तन परिमाण 60 डिग्री है तो एति तुम 60 डिग्री होगा जदि पूराटा 90 आ 60 तो बलकाटा केत हम बलका बेल के ए त्रिभुज कानी जी अच्छे जाने एतिक बलकाटा से त्रिभुजर कोणटा सी केत हम अटोमेटिकाली 30 हम ना ना कारण पूराटा 90 एपटा 60 होगा तो सेपटा बाध्य कौन हम सी 30 डिग्री हम तो ये देख ए त्रिभुज रे जो ए एस पी त्रिभुज देखिपना ए एस पी यही त्रिभुज रे आमर दुईटी कोण समान है किए किए लिखुची देख तले बिले त्रिभुज एस ए पी रे पुणी त्रिभुज ए एस ए पी रे दुईटी कोण समान है किए किए ना देख यही कोणटा आउ ए कोणटा जदि दीटा कोण समान है देखिपना पे ए कोणटा गोटे सामान है आउ ए कोण सहित ए कोण दुईटा सामान है ए कोणटा सामान है दुईट कोण सामान है तेल से सम्मुखीन बाहु सामान हे तो आर सम्मुखीन बाहु किए यहीटा आर सम्मुखीन बाहु ये तार तो आ सहित किए सामान है अब ये सामान है किए सामान है एस ए पी सहित कौटा ने जो एस ए पी अच्छी यहाँ थी जो एटा सहित आम किए सामान हम ये मध्य समान है होगा बुझल ना तो यू कौन जना पड़ी देख यू कौन जान लें मैंने कोण दुईटा जिते बड़े सामान है दुईटी कोण सामान कोण दुईटी सामान है लोक किए आसा सामान से देख यो ए एस कौड़ कौड़ के एस एतिक पूरा बोल्ट रे काटी मु पूरा गाढ़ करके रखी देख मोटा करके एतिक केते एतिक मध्य एसएओ सहित सामान है आउ एसओ का सहित सामान ओ क्यू सहित सामान है ये बुझल ना पे केवल यही जिनसटा आने 20 मिनट है मुझे बाड़े पिटी हो तो देख ये कौन है एएस इक्वाल टू एएस इक्वाल टू ओपी इक्वाल टू ओएस तीन टा जिनस पलैला देख यो तीनो जिनस मिसले कौन हम बड़ वृत्तर व्यासार्ध हम बुझला ना ओ क्यू सरी ओ एस ओ क्यू ए एस जो तीन जाक सामान है ये परिमाण केतिकाण स्मॉल आर एकक है ना एति इक्वल टू स्मॉल आर जदि आम करवा ए एस प्लस ओ ओपी सरी ओपी ने ओ एस प्लस ओ क्यू देन कौन हम आम आर प्लस आर इक्वल देख यही तीनो जाक मिसले आम बड़ वृत्तर व्यासार्ध आसोटाक मिसाओ जदि तीनो जाक मिसाइबा तेल बड़ वृत्तर व्यासार्ध आसव के आसब चेज कर मुझे मिसाइबा पूराटा आसब ना ना तो बड़ वृत्तर व्यासार्ध बा ए क्यू बोल कि आसो हेल्ले बड़ वृत्तर व्यासार्ध आम कौन नहीं कैपिटल आर तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर दैट इंप्लाइज व्यासार्ध इक्वल टू बा थ्री आर इक्वल टू ये कौन करें थ्री स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर दैट इंप्लाइज स्मॉल आर इक्वल टू आर बाय थ्री वृत्तर व्यासार्ध आसला तो वृत्तर व्यासार्ध आसला परिधि आनी पार देयरफोर वृत्तर परिधि इक्वल टू कौन हम आम टू इंटु पाई कहले 22/7 इंटु आर कहले आम कैपिटल आर बाय 3 तो ये कैसे कौन है 22 × 44 आर 22 × 7 = 21 यहाँ कौन आसा आम वृत्तर परिधि है तो सी आमको प्रमाण करिया कौन देना वृत्तर परिधि अनुपात वृत्तकार परिसीमा तो वृत्तर परिधि अनुपात वृत्त कलार परिसीमा इक्वाल टू वृत्तर परिधि के 44 × 21 अनुपात वृत्त वृत्त कलार परिसीमा के देखीदे टे
मृत कलार परिसीमा है 64 आर बाय 21, 64 आर बाय 21, राइट। तो एबे देखो ए दिरे को सॉल्व करो, 44 आर बाय 21 इस टू अर्थ हरण करि परबा हमें, हरण 64 आर बाय 21, दैट इम्प्लाइज जदि भग्नांश हरण हुए 44 आर बाय 21 जेते बेला को गुणन करबा ये उल्टी जीव कौन हम 64 आर बाय 21 टा 21 बाय 64 आर हो गला। तो 21 कि 21 कटिगले, आर को आर कटिला, ए दुईटी को काट, जदि 4 करे काटिबा 4 × 1 = 4 = 16, तो 11 बाय 16 बा 11:16 आसला आसला पिले, बुझिपारे आमर प्रम्प्ट हो गला, राइट। बास ए भिडियोटी पुणी देखा आउ गोटे भिडियो, थैंक यू।